भोपाल में प्यारे मियां यौन शोषण की शिकार नाबालिग की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने डीजीपी को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में नाबालिग की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में सीएसपी उमेश तिवारी की भूमिका संदिग्ध बताई गई। इसके साथ ही सीएसपी उमेश तिवारी को एसआईटी से तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सीएसपी को पॉस्को और जीजे एक्ट की जानकारी नहीं है। वो यूनिफॉर्म में ही शेल्टर होम पहुंच गए थे। लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। एक अन्य महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है, जो पीड़ित लड़कियों के टच में थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध है, जो प्यारे मियां को मदद पहुंचा रहे थे। वहीं शेल्टर होम के 15 जनवरी के सीसीटीवी फुटेज भी गायब है।